हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आखिर म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, म्यूचुअल फंड कहते किसे हैं, इसी के साथ में म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, और इसी के साथ में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको कोई भी यहां पर नहीं बताएगा। अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो जो कि आपको बैंक मैनेजर भी नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड भी करने जाते हैं तब, ठीक है, ये स्कीम लेने जाते हैं तब, ठीक है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल ले लिया है और मोबाइल की स्क्रीन आपको यहाँ पर बराबर में देखने को मिल ही रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले इस समय जो म्यूचुअल फंड हैं SBI के, ठीक है, वो कितने चल रहे हैं। जैसे करीब यहाँ पर इसके 70-80 जो म्यूचुअल फंड हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है, SBI के, ठीक है। इसी के साथ में अब आपको यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल गया है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान, जो कि मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसी में ही मैंने यहाँ पर अपना पैसा इसमें निवेश कर रखा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर 17.87 दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में जितने भी यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि आप उनमें कितने से पैसे को निवेश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 500 से ये आप यहाँ पर कर सकते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। और इसकी NAV है वो है 432.02, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी NAV है वो यहाँ पर अभी महंगी भी है, यानी कि 400 कुछ थी, तो मैं चलिए यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ये दूसरा ओपन हो गया, नो मैं यहाँ से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद में 500 वाला किधर गया भाई, पॉपुलर पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ 432 रुपये की NAV है। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि हमने एक साल में यहाँ पर 57% तक यहाँ पर रिटर्न दिया है, यानी कि 1,00,000 रुपये अगर हम इसमें जमा करते हैं सीधे सीधे तो ये हमें 57,000 का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी इसी आपको कुछ पैसे यहाँ पर देने होते हैं, ठीक है। अब इसकी आखिर टर्म कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर टर्म कंडीशंस क्या क्या होती हैं, जैसे कि जब भी हम पैसे को निवेश करते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमने इस वाली स्कीम में हमने यहाँ पर 1,00,000 रुपये अगर जमा किया हुआ होता और उसकी जो कि फंड मैनेजर होता है उसकी जो यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से वो अपनी कुछ कमीशन वहाँ पर ले लेता है, ठीक है, जैसे कि 1% तक, और 1% से वो ऊपर ले रहा है तब समझो ज़्यादा जा रही है उसकी कमीशन, ठीक है। तो कभी भी अगर आप उससे जो बैंक मैनेजर से आप ज़रूर पूछ लीजिएगा जब भी आप बैंक से करा रहे हैं म्यूचुअल फंड तब, ठीक है, या फिर उसकी जो पॉलिसी है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप उससे पूछ भी सकते हैं कि जो इसकी फ़ंड मैनेजर की फ़ीस होगी वो यहाँ पर कितनी होगी उसकी, ठीक है। अगर वो 1 रुपये से ज़्यादा बता रहा है तब आपको वहाँ पर उसे बोल देना कि भाई हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और क्योंकि उसके बाद में वो जो बैंक वाले होते हैं वो आपको यहाँ पर छूट भी करा सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। और यहाँ पर ये 3 साल में बता रहा है कि 28.49 दिया है, 5 साल में यहाँ पर 25 दिया है, और यहाँ पर 5 साल के बाद जो ऊपर रहा, ठीक है, तो उनको 12.78% तक यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर आप 1 साल के लिए हमें 1,00,000 रुपये इसमें देते हैं तो आपको 57,000 का यहाँ पर यानी कि प्रॉफिट देखने को मिला है अब तक का, ठीक है, यानी कि 23 से आज की डेट में, यानी कि आज 14 तारीख है 2024 में, तो कहने का मतलब अगर हमने 1 साल पहले इसी डेट में पैसे लगाए होते तो इन्होंने 57,000 रुपये का ये प्रॉफिट आज दिखाते, ठीक है। अब उसमें से अगर 1,00,000 रुपये हम उसमें जमा करते तो 1,000 रुपये वो काट लेता फंड मैनेजर, ठीक है, 1% के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें ये था, अब यहाँ पर हमें 1,00,000 रुपये की तो ये है कि जो बैंक है गवर्नमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको छूट दे देती है, ठीक है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। बस मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है पर आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी जो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगर 1,00,000 की वहाँ पर वो छूट करते हैं गवर्नमेंट तो ऐसा होता है तो आपको 57,000 रुपये बचा, ठीक है। अब जो 57,000 में आपको टैक्स भी देना होगा,
ठीक है 10% देंगे अगर आप एक साल के बाद पैसा निकालते हैं तब, ठीक है, और एक साल से आप पहले पैसा निकाल देते हैं तो आपको 15% देना होगा, ठीक है। अब ये 57,000 हैं, ठीक है, अगर हम एक साल से पहले पैसा निकालते, ठीक है, यानी कि एक भी दिन अगर हम पहले पैसा निकालते तो हमें 7,500 गवर्नमेंट को देना पड़ता, और एक साल के बाद हम पैसा निकालते चाहे भले एक ही दिन बाद निकालते, ठीक है, तो हमें 10% देना होगा, तो उसमें से हम यानी कि 57 में से 5,000 रुपये दे देंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल 52,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ म्यूचुअल फंड की ये कुछ जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड में पैसा यहाँ पर लगा रखा है वो पैसा लगा रखा है SBI कंट्रोल रेगुलर प्लान ग्रोथ में, ठीक है, तो चलिए मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब जो पैसा है मैंने यहाँ पर लगा रखा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो पैसा लगाया था करीब 3.5 लाख रुपये मैंने यहाँ पर लगाया था, 3500 रुपये की जो कि फंड मैनेजर की जो फीस थी वो यहाँ पर उसने काट ली थी, और उसके बाद में 3500 कम 3.5 लाख रुपये इसमें शो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये था कि उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर पैसे बढ़ने लगे, प्रॉफिट होने लगा, ठीक है, और आज की जो अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं न्यू इन्वेस्ट पे सिंपली क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी जो फंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी बता रहा है कि आखिर इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, ठीक है, और कितने कितने समय में, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है, आपको यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर लिखकर सर्च किया, हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। फिर आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन ही बिजनेस है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड वगैरह नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो NAV है वो 384 है, ठीक है। अब NAV क्या होती है, सबसे मेन बात हम ये समझ लेते हैं, NAV होती है यानी कि एक इसकी NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेट्स वैल्यू, ठीक है। अब NAV होती क्या है एक्चुअली में, ठीक है, NAV वो होती है जैसे कि ये म्यूचुअल फंड जो कि SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है, ये एक स्कीम है, ठीक है, SBI की, ठीक है। अब ये स्कीम जब भी ओपन हुई होगी तो इसके अंदर कुछ फंड था यानी कि ऐड किया होगा, जो पैसे हैं वो बैंक ने इसमें ऐड किए होंगे, अब उसी हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से NAV बना दी उन्होंने, ठीक है। अब वो NAV ना तो कम हो सकती हैं ना तो बढ़ सकती हैं, ठीक है, बस NAV की जो प्राइस हैं वो ऊपर नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। अब जो NAV में इनमें पैसा ऐड होता गया, ठीक है, फंड मैनेजर हैं वो पैसे को निवेश करते गए, जितना इसमें पैसा हुआ, ठीक है, वो उसी हिसाब से NAV हाई होती जाती है, ठीक है, NAV महंगी होती जाती है, ठीक है। अब मैं इस समय जिस म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश करूंगा तो NAV खरीदूंगा, जैसे कि मैं एक NAV खरीदूंगा तो 384 रुपये ही खरीदूंगा, ठीक है, तो इसकी एक यूनिट मैंने यहाँ पर खरीद ली, समझे, एक NAV का मतलब ये समझ सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि रैंक देख सकते हैं जो कि 5 वेरी गुड परफॉर्म जो कि यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम बार बार पैसे यहाँ पर जमा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हम एक ही बार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक ही बार में कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर सिंपली क्लिक करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आज की ही डेट में एक साल पहले अगर हमने 1 लाख रुपये यहाँ पर जमा किए होते आज की डेट में, ठीक है, तो ये प्रॉफिट अभी दिखाएगा कि आखिर कितने का यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है कितने का नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी दिखा देता है, ठीक है, पर यहाँ पर ये अभी दिखा नहीं रहा है, तो हो सकता है कुछ घंटे बाद यहाँ पर दिखाने लगे, ठीक है, पर अभी नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ करीब 47,000 के आसपास इसका प्रॉफिट चल रहा है अगर एक साल में, कुछ समय बाद यहाँ पर दिखने लगेगा। अब आपको यहाँ पर ये भी बता रहा है कि हमने जो एक वीक में कितना यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मंथ में यहाँ पर 6.20 दिया है, 3 मंथ में 10.59 दिया है, और इसी के साथ में
एक साल में 48,000 रुपये का दिया है। ठीक, देख सकते हैं आप, चूँकि मैं आपको 47 के समथिंग बता रहा था, ये 48 बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 2 साल में इन्होंने 91 दिया है और 3 ईयर में 264 दिया है और यहाँ पर 5 ईयर में इन्होंने दिया है, हाँ 5 ईयर में 264 दिया है और 10 ईयर में इन्होंने दिया है 434। ठीक है, जो कि इन्होंने इतना रिटर्न दिया है, इतने हज़ार। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें और भी जान लेना ज़रूरी है, इसकी पॉलिसी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साल, एक ईयर वाले में आपको 47.63 देखने को मिल रहा है और ऊपर के सारे खाने हैं वो खाली हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि खाने जो खाली हैं, तो आप इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो समय है, यानी कि वो शॉर्ट टाइम है, जो एक साल से कम है वो शॉर्ट टाइम है और एक साल से ऊपर के लिए है वो लॉन्ग टाइम है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीधे साफ साफ, इसकी जो पॉलिसी है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, 1 ईयर फॉर परचेज डेट लॉन्ग टाइम, जो कि कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, यानी कि अगर आप एक साल के लिए परचेज करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, तो वो लॉन्ग टाइम में आ जाता है कैपिटल में। ठीक है, जो करंटली टैक्स रिटर्न है वो आपको यहाँ पर 10% देना होगा, कहने का मतलब है 1 लाख पर 10%। ठीक है, और आप यहाँ पर लॉन्ग टाइम यानी कि कैपिटल यानी कि 1 लाख यानी यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आप एक साल के बाद यहाँ पर इस पैसे को निकालते हैं तो आपको 1 लाख पर 1 लाख की छूट भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 ईयर फॉर्म परचेज डेट शॉर्ट टाइम। ठीक है, यानी कि अगर आप एक साल के भीतर इस पैसे को निकालते हैं तो वो शॉर्ट टाइम में आ जाता है कैपिटल गेन टैक्स बिल। ठीक है, और आपको यहाँ पर करंट में टैक्स चल रहा है रिटर्न, वो आपको 15% यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, ये बता रहे हैं ये। और इसी के साथ में आपको जो आपको 1 लाख पर छूट मिल रही थी वो भी छूट नहीं मिलेगी अब। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें आप पैसा तभी लगाएं जब आपके पास एक साल का समय हो तब। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए आज इसमें पैसे को निवेश कर दिया और आपको 15 दिन बाद या 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 8 महीने बाद या 9 महीने बाद या 11 मंथ के बाद आपको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की, तो आप यहाँ पर पैसे निकालते हैं तो आपको 15% आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, चाहे आप उसमें प्रॉफिट हुआ हो चाहे आपका लॉस हुआ हो। ठीक है, आपको इस बात को समझ लेना है। तो आपको एक साल के लिए ही इसमें पैसे को निवेश करना है। अब एक्चुअली में म्यूचुअल फंड होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, ये सबसे पहला मेन पॉइंट है। जो कि हम किसी भी कंपनी के शेयर होते हैं, जैसे कि आपने जानते हैं कि ग्रो ऐप है और एंजल वन है। ठीक है, तो कई सारे जो कि मार्केट में ऐप चल रहे हैं, कई सारी वेबसाइटें चल रही हैं। ठीक है, तो उनमें हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, पर हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है कि उसके कंपनी के शेयर कब गिर सकते हैं और कब बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है, जो कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, ठीक है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये अपना एक फंड रिलीज करते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड रिलीज करते हैं किसी भी नाम से, जैसे कि ये है SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो वो इस नाम से एक इन्होंने स्कीम लॉन्च कर दी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने यूनिट दे दी। अब जितना पैसा आप इसमें निवेश करेंगे वो अपनी कमीशन वहाँ पर काट लेंगे और वो आपके पैसे को अलग अलग कंपनियों में लगाएंगे। ठीक है, यानी कि कंपनी के शेयर खरीदेंगे, सोना चांदी में पैसे को निवेश करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाता होगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर ऑन टाइम ही सिलेक्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 50% यहाँ पर दिखा रहा है अब तो। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड देखने को मिल रहा है, स्टॉक। ठीक है, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना, ठीक है, और उसके बाद में बेचना, इन लोगों का यही काम होता है। कई सारे म्यूचुअल फंड हैं उनमें पैसा लगाना और जो भी इस समय लेटेस्ट में स्कीमें चल रही हैं, ठीक है, उनमें पैसों को निवेश करना, तो ये तो एक होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में ये है कि आपको पैसे की यहाँ पर टेंशन नहीं रहती है। ठीक है, कि आपका जो पैसा है उसका देखे बाहरी कि शेयर तो नहीं गिर रहे हैं
कि वो कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। तो जो फंड मैनेजर होता है वो इस चीज़ के लिए काम करता है यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर ख़रीदना, अगर आपको शेयर के बारे में जानकारी नहीं है किसी भी कंपनी के, तो आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी कि आखिर शेयर ख़रीदना किसी भी कंपनी के किसी भी ऐप के थ्रू, तो उसमें आपका पैसा यहाँ पर डूब जाएगा, ठीक है। पर इसमें पैसा यहाँ पर डूबने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब डूबता किस तरीके से है पैसा, इसमें मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे कि अगर भारत में 2019 में कोविड-19 में जो कि लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, तो सारी कंपनियां हर जगह हर चीज़ बंद थी, ठीक है। तो उस समय ना तो कोई कंपनी ही चल रही थी, तो वहां पर जो उस समय जब कोई कंपनी नहीं चलेगी तो उसमें काम ही नहीं होगा, तो उसकी जो शेयर वैल्यू है वो यहाँ पर गिरने लगेगी, ठीक है, कमाई ही नहीं करेगी वो कंपनी तब। तो ऐसे में है तब ये जो मार्केट है वो यहाँ पर मार्केट जो शेयर मार्केट बाजार है वो यहाँ पर क्रैश हो जाता है, ठीक है। अब क्रैश होगा तब यहाँ पर आपको सारे ग्राफ सारी जगह से आपको लॉस वहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है, ठीक है। अब एफडी, काफ़ी लोग एफडी करते हैं क्योंकि एफडी में रिस्क कम है, ठीक है। पर वहाँ पर आपको एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट बता दिया जाता है कि आप 1,00,000 रुपये यहाँ पर बैंक को देंगे तो एक साल बाद आपको 8%, 7%, 7.5% आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और बड़ौदा बैंक की तो हम बात कर लें तो वो तो सबसे ज़्यादा गिरी हुई है, तो वहाँ पर तो ऐसी 5%, 6% ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में बहुत सारे लंबे चौड़े फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो होता है बड़ौदा बैंक में, ठीक है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा है, तो मुझे तो यही लगा है कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश करूं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि फंड मैनेजर होते हैं वो अपनी कमीशन काटते हैं, तो वो शुरू में आपको लग सकती है, पर आप एक आध बार इसमें अगर आप एंट्री कर जाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसों को निवेश कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ही अमाउंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4,00,000 यहाँ पर करीब 89,000 रुपये हैं, ठीक है, 4,89,000 हैं। अगर मैंने यहाँ पर 3,50,000 रुपये यहाँ पर जमा किए थे, ठीक है, तो यहाँ पर 3,50,000 रुपये मैंने यहाँ पर जमा किए, तो मैं कैलकुलेटर पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ 3,50,000 की ही सीधे, 3,50,000 जी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ अभी, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर नहीं रही, तो 5,00,000 से ऊपर ये बैठ रहा है, ठीक है, 5,00,000 से ऊपर ही बैठेगा इस हिसाब से अगर लगा रहे हैं तब, ठीक है। और इसके बाद में, और इस समय जो पैसा है वो है मेरा यहाँ पर कितना है, जैसे कि 4,89,000 लगभग हम 5,00,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो 5,00,000 अगर हम इसमें से मान लेते हैं और तो 1,00,000 की मुझे यहाँ पर छूट हो जाएगी, बचा मेरा 4,00,000, ठीक है। अब 4,00,000 पे मुझे 10% के हिसाब से यानी कि टैक्स भरना होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो 40,000 रुपये मुझे टैक्स में भर दूंगा गवर्नमेंट के लिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस पैसे से, जैसे कि सड़कें हैं, जो भी कर्मचारी लोग काम करते हैं तो उनकी तनख्वाह में, ठीक है, जो कि हम कहते हैं कि फ्री में बिजली दे दो, कि फ्री में राशन दे दो, तो वो सारा पैसा हम ही टैक्स भरते हैं और वो हम ही को ही फिर थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, ठीक है। 40,000 रुपये का आप खुद ही टैक्स समझ सकते हैं कि आखिर 40,000 रुपये जो सरकार है वो हमें कितने समय में देगी, ठीक है। तो टैक्स बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, ठीक है। अब भाई प्रॉफिट करोगे, कमाई करोगे, तो आपको टैक्स देने में कोई हर्ज भी नहीं है, और मैं भी टैक्स यहाँ पर पे करता हूँ, ठीक है। तो आपको इस बात को यहाँ पर आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ में अब मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ आप समझ सकते हैं, 5,00,000 मान लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 40,000 का टैक्स भरूंगा, तो यहाँ पर 3,50,000 रुपये मैंने जमा किए थे एक साल में, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर दिखा रहा है 5,00,000, तो 5,00,000 में से 40,000 का टैक्स भर दूंगा, तो बचा 1,10,000 रुपये, ठीक है। अब 1,10,000 रुपये यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3,50,000 की एफडी करता तो मुझे कितना मिल जाता, 24 करीब मुझे मिल जाता 26,000 रुपये, 26,000-27,000 अगर मैं एफडी करता इसी पैसे की तब एक साल तक, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्क भी मैंने आपको बता दिए, जैसे कि अगर मार्केट यहाँ पर क्रैश होता है शेयर बाजार मार्केट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है नुकसान, ठीक है।
प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो एक्चुअली में पैसा कहाँ कहाँ लगाता है ये बात मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। जैसे कि जब भी हम इसमें पैसे को निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए अगर हम जमा करेंगे तो जो फंड मैनेजर है वो कम से कम 10 से 15 कंपनियों में या 50-60 कंपनियों में वो आपका पैसा लगाएगा, एक कंपनी में कभी भी नहीं लगाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ऐसे में हम एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी बात को यहाँ पर मान लेते हैं, वो पैसा 10 कंपनियों में लगाता है, ठीक है। अब ऐसे में वो 3 कंपनी है नुकसान में चले जाती हैं, नुकसान करती हैं, ठीक है। बची बाकी की 7 कंपनी, ठीक है। अब 7 कंपनी प्रॉफिट करके दे रही हैं तो बाद में से हम 3 कंपनी का समझ लेते हैं कि जो 3 कंपनी ने लॉस किया है वो रिपेयर कर देते हैं, बची 4 कंपनी, 4 कंपनियों ने जो हमें प्रॉफिट दिया वो हमें प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जो म्यूचुअल फंड है काम करता है, और आपको ये भी पता हो चल गया होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है, और इसी के साथ में म्यूचुअल फंड में पैसे हमें लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और लगाना चाहिए तो आखिर किस तरीके से लगाना चाहिए। आप यहाँ पर ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और आप बैंक में भी जाकर लगा सकते हैं, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपका पैसा है बिल्कुल सेफ है, ठीक है। आपको नॉमिनी भी बनाना होता है तो नॉमिनी आप बना सकते हैं जिसे भी चाहें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।